हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्लेस ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। इन द प्रीवियस क्लास प्लेस ऑफ सप्लाई हमने किया था, ठीक है, स्टार्ट कर दे। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है फाइनली, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। डेस्टिनेशन बेस्ड, जहां पे गुड्स कंजम्पशन हो रहा है फाइनल, उसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। सिंपल, और कुछ सोचना नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऐसा सप्लाई जिसमें गुड्स का मूवमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर ए न्यू दिल्ली हैज leased his machine, leased मतलब भाड़े पे दिया है machine, cost rupees 5 lakh to Mr. B, Noida, UP में, दिल्ली में है। उसने मशीन भाड़े पे दिया है चलाने के लिए 5 लाख रुपए का, किसको, बी को, कहां पे, नोएडा यूपी में। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन मंथली रेंट ऑफ 30,000, आफ्टर 14 मंथ मिस्टर ए एग्री टू सेल द मशीन टू मिस्टर बी फॉर रुपीज 3,50,000। बस ये अपना क्वेश्चन है और पूछा गया है फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द सेम विल बी सोल्ड एज ऑन वेयर, क्या, सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, जो उधर लिखा रहेगा वो इधर है। दस द लोकेशन ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ सच सेल्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा। ये आपका इतना ही क्वेश्चन था यहां तक आपका क्वेश्चन है। अपने को लिखने का है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा यूपी। समझ में आया क्या, इसका आंसर लिखेंगे यस, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नोएडा यूपी। समझा, चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया। एक्स वाई जेड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र ओपन्स अ न्यू ब्रांच ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम। हाँ, उस पर डिबेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्या वो वर्ड बेचारा कब से, गुरुग्राम गोरेगा, अरे छोड़ो बाबा, हरियाणा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा महाराष्ट्र दो अलग स्टेट है, इतना समझ में आ गया। एक्स जेड लिमिटेड मुंबई में उसने ओपन किया उसका खुद का ब्रांच, किधर, हरियाणा में। फिर दिया इट परचेज अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम केटीएस बिल्डर, बिल्डर का नाम दिया है हरियाणा में ही उसने, गुरुग्राम गिरगाम जो बोलने का बोलो, अलोंग विथ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स। हमने एक बिल्डिंग में फ्लैट परचेज किया या बिल्डिंग परचेज किया है, किधर, हरियाणा में, ठीक है। अब हरियाणा में मैंने बिल्डिंग परचेज किया हुआ है, उसके साथ फर्नीचर सब इन्वॉल्व है। दो देर विल बी नो जीएसटी लाइबिलिटी ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग, यस इट इज माई कैपिटल एक्सपेंसिस, बिल्डिंग परचेज करना इज माई खुद का खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसिस हो गया, कैपिटल असेट्स हो गया, बिल्डिंग बेचने वाला थोड़ी हूं मैं, मेरा प्रॉपर्टी परचेज है ना, तो उसके बाद कोई जीएसटी लाइबल नहीं होता, उस पर बिल्डिंग का टैक्स आएगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह आता है, ठीक है। आगे उसने बोला फर्नीचर फिक्स्चर्स विल बी लाइबल फॉर जीएसटी, यस फर्नीचर फिक्स्चर्स है तो उसके बाद लाइबिलिटीज आएगा। Since there is no movement of office furniture, movement तो है नहीं, and the furniture fixture, the place of supply of such goods shall be the location at a time of delivery of the recipient. By कहाँ पे deliver हुआ, हरियाणा में, तो place of supply क्या है, मतलब question यहीं तक था, बाकी उसने explanation दे दिया यहाँ पे, यहाँ तक आपका question था। उसके बाद ये जो part है ये answer का part है, क्या, though there will be no GST liability on purchase of building office, furniture fixtures will be liable for GST. बिल्डिंग ऑफिस परचेज करने पे जीएसटी नहीं है, बट आप जो फर्नीचर परचेज करो उस पर जीएसटी आने वाला है। अब जब उस पर जीएसटी आने वाला है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, सिंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्स्चर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी द लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जहां पे गुड्स डिलीवर हुआ है जिस प्लेस पे, वही मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हरियाणा। बात समझ में आया क्या, हाँ जी, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट, उसके बाद देखते क्या है, सप्लाई इन्वॉल्व असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑन द साइट, यही है ना, ठीक है। मिस्टर ए मुंबई परचेज अ मशीन फ्रॉम मिस्टर बी न्यू दिल्ली टू बी इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट चेन्नई, टीएन, द प्लेस ऑफ सप्लाई,
विल बी क्या रहेगा, जहां पे मशीन इंस्टॉल हो रहा है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है उसका। तो इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई, समझ में आया, TN तमिलनाडु। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू PQ लिमिटेड रांची झारखंड टू असेंबल द पावर प्लांट इन कच्छ गुजरात, द प्लेस ऑफ सप्लाई द साइट विल बी असेंबलिंग कच्छ। क्या बात है, सो स्मार्ट आप लोग, चलो अच्छी बात है। इसका आंसर कच्छ था, वाओ फेवरेट, ठीक है यहां तक। चलिए सप्लाई ऑफ गुड्स असेंबली और इंस्टॉलेशन वाला ही समय, इंस्टॉलेशन ऑफ वे ब्रिज, लोकेशन ऑफ द सप्लायर किधर है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे, इंस्टॉलेशन साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स, दिल्ली भोपाल अलग अलग है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, IGST, प्लेस भोपाल, बराबर है, समझ में आया। तो यहां पे आ जाएगा प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी भोपाल, और यहां पे आएगा IGST। सर्व सप्लाइड एंड इंस्टॉल सर्वर्स, नहीं नहीं सर्वर्स है, बराबर है, सर्वर्स सप्लाइड एंड इंस्टॉल एट ऑफिस दिया हुआ है, कर्नाटका है लोकेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस गोवा में है, इंस्टॉल भी कर्नाटक में ही हुआ है, कर्नाटका, वेरी गुड, कर्नाटका, CGST SGST, क्या बात है। गुजरात गुजरात, केरला केरला, कहां पे इंस्टॉल असेंबल हो रहा है, गुजरात केरला अलग अलग, समझ में आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द बेस्ट पार्ट, डेस्टिनेशन और कुछ याद नहीं रखना है। चलिए बढ़ेंगे, गुड सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस, चलिए ठीक है, और ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान, अच्छा सॉल्यूशन के साथ लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच, यू सो टैलेंटेड, ध्यान दो, नहीं ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये कैसा है कि इधर ट्रेन का सर्विस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा ध्यान देना। अ ट्रेन इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रेस्टोरेंट ईटिंग पॉइंट, ज्वाइंट ही है, बुक में ज्वाइंट रहेगा तो उसने लिखा रहेगा, उसके ऊपर क्या तुम लोग बार बार ये करते हो, मेस और कैंटीन, ईटिंग पॉइंट, मेस और कैंटीन, देयरफॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी। अभी ऐसे सिचुएशन में ध्यान में रखना कि फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में हूं, मैंने ट्रेन लिया, ठीक है, और मेरे को जाना है दिल्ली में, ठीक है, मैं बीच में कहीं पे खाना ऑर्डर करता हूं और खाना मेरे को मिलता है, बराबर है, तो ऐसे केस में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जिधर खाना मिल रहा है सर आपको, मैंने कहा नहीं, जहां पे वो खाना लोड हुआ था गाड़ी में, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और लोड खाना कहां हुआ रहेगा, मुंबई में, समझ रहा है डिफरेंस, वापस वापस वापस, ट्रेन में कैंटीन रहता है, ट्रेन के कैंटीन में खाना स्टेशन पे अपलोड हो जाएगा और फिर वो दिल्ली तक चलते रहता है, हाँ या नहीं, बीच में किधर अपलोड होता अपने को मालूम नहीं है, बट हमारे हिसाब से जहां पे ट्रेन चलो खाना कैंटीन उधर ही अपलोड किया जाएगा, और फिर वही खाने को लोग घुमा रहे, गरम कर रहे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई नॉट दिल्ली, ऑन बोर्ड, इसे हम ऑन बोर्ड कहते हैं, समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। इधर लिखा है फूड्स एंड बेवरेजेस, नहीं बेवरेजेस, बी रहेगा वहां पे, डी आ गया, फूड्स एंड बेवरेजेस ऑन बोर्ड अ ट्रेन शैल बी रिगार्डेड एज अ प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स सिंस इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सर्विसेज, इन सच केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड अंडर दिस क्लॉजेस, अभी इधर क्लॉजेस लिखा नहीं, बट क्लॉजेस क्या है कि जहां पे वो फूड अपलोड किया गया है या जो भी चीज सप्लाई होने वाला है वो अपलोड किया है, जिस प्लेस पे वो अपलोड हुआ है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, समझ में आएगा। इधर क्वेश्चन तो नहीं दिया, बट दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑन बोर्ड का, ठीक है, देखते ऐसा कुछ क्वेश्चन है क्या अपने पास, हाँ जी, मिस्टर एक्स, यस मिस्टर एक्स, न्यू दिल्ली, अ वेंडर बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली, ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में उसने अपना सामान ले लिया, ट्रेन में चढ़ गया,
5 का 3, 5 का 3, 5 का 3, 5 का 3, चिल्ला दे जा रहा है कोटा तक, बेच रहा है मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली, अ वेंडर, बेचने वाला आदमी, बोर्ड जाता है न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन, ट्रेन में चढ़ गया, अपना जो भी सामान है उसने दिल्ली में ही अपलोड किया हुआ है, न्यू दिल्ली एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, सॉल्यूशन में न्यू दिल्ली एंड नॉट जयपुर, जयपुर तक बेचते चला गया वो, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेस्टिनेशन हुआ क्या इधर, नहीं, ऑन बोर्ड इसे कहते हैं, फर्क समझ में आया क्या, तो थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान में रखना, क्लियर, चलिए ठीक है बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, मिस्टर डब्ल्यू परचेज अ कॉफी, ओहो क्या बात है, मिस्टर डब्ल्यू परचेज अ कॉफी एंड स्नैक्स ऑन बोर्ड ऑन एयरजेट मुंबई न्यू दिल्ली फ्लाइट व्हेन द आर्टिकल इज फ्लाइंग ओवर गुजरात, क्या बात है भाई साहब, एक आइका नहीं कहीं जरा कुछ तो बोलने दे मेरे को, डब्ल्यू परचेज कॉफी स्नैक्स ऑन बोर्ड एंड एयरजेट मुंबई न्यू दिल्ली का फ्लाइट था, फ्लाइट में वो मुंबई में चढ़ा रहेगा, दिल्ली जा रहा था और फ्लाइट हवे में गुजरात पे पहुंच गई, तो उसने गुजरात में ऑर्डर दिया ए मेरे को कॉफी पीने का है, तो फ्लाइट वाली आई और गुजरात में उसको कॉफी दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों, बस यही समझने का है, समझ में आया क्या, द फूड आइटम वेर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट एट मुंबई, अगर ये दिल्ली में लोड हुआ रहता तो, बस यही है सॉल्यूशन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स by air jet to Mr. W is a location at which the goods are taken on board that is Mumbai, karta hai ha seedhi baat, sir ye mention kya rahega, abhi ye question mein mention hai ha hai na, train flight ye sab cheez mein to wahi hone wala hai, bus service usme bhi koi koi khana provide karte, rickshaw चलो आगे आगे वापस वापस, मिस एस एन अनरजिस्टर्ड पर्सन न्यू दिल्ली इज ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कानपुर यूपी इन अ ट्रेन, द ट्रेन स्टार्ट एट न्यू दिल्ली एंड स्टॉप एट 3 स्टेशन बिफोर रीचिंग द कानपुर, क्या समझा इधर, अरे क्या समझा, कानपुर वाले हो ध्यान दो, एस एक अनरजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रही है दिल्ली से कानपुर, मतलब वो ट्रेन में चढ़ी रहेगी दिल्ली में, ठीक है जब तक कानपुर नहीं आता तब तक 3 स्टेशन पे रुका है वो ट्रेन, बराबर, द फूड आइटम वेर लोडेड इन टू द ट्रेन एट अलीगढ़ यूपी सेकेंड स्टेशन, फिर बस इतना ही दिया है, मिस एस बाइज द डिनर ऑन बोर्ड ऑन ट्रेन, मतलब भाई खाना अलीगढ़ में चढ़ा है, उसने ट्रेन में ऑर्डर दिया है खाना, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अलीगढ़, समझ में आया क्या, देखो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड दैट इज अलीगढ़, द लोकेशन एट विच बोर्ड ट्रेन इज इररेलेवेंट, अभी मैंने अगर ऑर्डर कहीं और दूसरे स्टेशन में किया रहता तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता, अलीगढ़ ही रहता, बात समझ में आया क्या, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट देखते, और अहो वापस फेवरेट, मजा आएगा, चलिए क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड वाला ये, सप्लाई ऑफ कैन एरेटेड ड्रिंक, कैन ड्रिंक होता है ना वो, ऑन फ्लाइट, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब का सप्लायर है, लोडिंग ऑफ गुड्स दिल्ली में हुआ है, पैसेंजर बोर्ड्स एट दिल्ली, चलो दिल्ली लिख देता हूं, मैं बोल रहा हूं दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई बोलो, समझा क्या बोला मैंने यहां पे, ये जो सप्लायर है पंजाब का है, अब सप्लायर किधर का मेरे से इररिलेवेंट है, सामान कहां लोड किया मैंने, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया रहेगा, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली नहीं है, अच्छा करेक्शन है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली है, अच्छा सबर अली सबर, कोई नहीं, ये बराबर है पुणे हैदराबाद, अच्छा ये पूरा ही करेक्शन है,
अच्छा ठीक, कोई नहीं, होता है उम्र में, इट्स नॉर्मल। यहाँ पे, यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे गोवा, फिर से, और ये ठीक है, करेक्ट। और कुछ है क्या? स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई साहब, सप्लायर पंजाब के है, लोडिंग ऑफ गुड्स भी पंजाब में हुआ है, पैसेंजर दिल्ली में चढ़ा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बात है, स्मार्ट। टैक्स पेबल सीजीएसटी एसजीएसटी, क्यों ऐसा? सेम। नेक्स्ट, उसके बाद पुणे गोवा हैदराबाद, पुणे गोवा हैदराबाद, गोवा जाके आओ, क्या समझ में आया? मुंबई गोवा कोची, गोवा, समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने खत्म किया प्लेस ऑफ सप्लाई, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। एक और लेक्चर लूंगा जिसमें प्लेस ऑफ सर्विस करेंगे, ये गुड्स का था, अभी सर्विस करेंगे, वाइंड अप करेंगे। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।